करवा चौथ का दिन है, करवा चौथ के व्रत होने के बावजूद भी यहाँ कम से कम 500 से 600 महिलाएं थी। तेजसा भवतु ते।
जय मंगलामी गंगे जसा भवतुते, जय मंगलानी एता विबुध, जय मंगल अट्टगाथा यो वाच को दिन दीने सरति मदंदी हितवान नेक विविधानी नोएडा सेक्टर 11 में सिद्धार्थ बुद्ध विहार के बराबर में ये पार्क है जहाँ पर आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है। मैडम किस तरह का कार्यक्रम था बताएं जरा हमारे दर्शकों को। वर्षावास का वो था, चीवरदान था, 3 महीने का समापन था। हाँ, समापन था। तो क्या होता है इसमें? इसमें सब लोग दान किया जाता है, सब मिलते हैं इकट्ठे होके सारा चीवरदान करते हैं। मतलब भिक्खु को भिक्खु दान किया जाता है, 3 महीना वर्षावास खत्म होने के बाद में चीवरदान किया जाता है। 3 महीने का वर्षावास होता है? जी हाँ, 3 महीने जिसमें कहीं घूमते फिरते नहीं है बाहर। जी 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 हाँ, क्योंकि वर्षावास में कहीं जाते नहीं है, इसलिए बुद्ध विहारों के अंदर वर्षावास जाके हम लोग भी करते हैं। तो जब समापन होता है तो उसके बाद फिर चीवरदान होता है, उसमें भोजन दान भी और चीवरदान भी जी। हाँ, सबसे बड़ा दान होता है, सब छोड़ के आते हैं या 3 महीने वर्षावास करते हैं, फिर आके ये कठिन दान करते हैं, जितना भी जिस पे बनता सब कठिन चीवरदान है। सर नवोदय जय भीम, बताएं सर बताएं बताएं कुछ बात रखें अपनी आज के दिन पर। आज के दिन भगवान बुद्ध वर्षावास को प्लस चीवरदान जी जी कठिन में कठिन चीवरदान को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, उसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं पहुंचा हूं। आइए जानते हैं, मीना जी हैं कोंडली से। मीना जी किस तरह का कार्यक्रम था बंती बंदा में? ये बंती जी वो भाई साहब चीवरदान का कार्यक्रम था जी, बंती जी के सानिध्य में जी। 44 भंते लोग हो गए मेरे पाजक तक पहुंची। बंती जी उपासकों ने आज इतना मान सम्मान वो मेरे नहीं सब महिला मंडल किया। मैं तो क्या आज के दिन पर क्या कहना है? स्कॉटिंग सीपर दान है जी, आप बताइए। जी 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 आज कठिन चीवर दान है जी, 3 महीने वर्षावास करने के बाद आज कठिन चीवर दान का प्रोग्राम हुआ है। और करुणा बोध विहार न्यू कोंडली में जो बड़े बनते जी हैं बनते अनिमेश, उन्हीं के सानिध्य में हमने माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ ने वर्षावास किया। और उसके बाद अब ये 3 महीने बाद कठिन चीवरदान का कार्यक्रम किया। अच्छा, ये 3 महीने चीवरदान का जो कार्यक्रम था वो माता रमाबाई अम्बेडकर जो संघ है उन्होंने आयोजित किया, वर्षावास बंते जी के साथ किया। अच्छा, उपोषित तो सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने मतलब वहाँ पे वर्षावास भी किया, उपोषित रखा। और आज कम से कम 200-250 महिलाएं कठिन चीवरदान में शामिल हुई। करवा चौथ का दिन है, करवा चौथ के व्रत होने के बावजूद भी यहाँ कम से कम 500 से 600 महिलाएं।